हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं रिव्यू और स्वॉच करने वाली हूँ ये निक्स का कांट स्टॉप वोंट स्टॉप फाउंडेशन। और ये जो शेड है मेरे पास, ये है बेज, और ये मैंने लिया था अल्टा ब्यूटी ने मुझे सजेस्ट किया था। वैसे मैंने ये नायका से लिया है, पर अल्टा ब्यूटी इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ, मेरा उनके साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं है। मुझे अच्छा लगा, जो भी वो शेड बताते हैं वो काफ़ी एक्यूरेट मैच होता है हमारे स्किन टोन के लिए, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। तो वहाँ पर ना आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे कि आपका स्किन टोन कैसा है, लाइट, वेरी लाइट, या मीडियम, येलो मीडियम, या कूल मीडियम, फिर डार्क में भी कूल अंडरटोन्स वाले या वार्म अंडरटोन्स वाले। तो काफ़ी सारे ऑप्शन है और आपको फिर वो कुछ शेड्स सजेस्ट करेंगे, एक या दो, और फिर उनमें से ही कोई आपका एग्जैक्ट मैच होगा। तो मैंने वहीं पर चेक करा था और अल्टा ब्यूटी के थ्रू ही मैंने कुछ फाउंडेशन शेड्स जो मुझे लगा कि एस्टेल ऑर्डर में भी मैंने लिया था, फिर मैंने निक्स में लिया, मैंने मेबिलीन में लिया, तो हाँ, और वो शेड काफ़ी क्लोज मैच थे मेरे स्किन टोन के लिए, तो इसलिए मैंने ये बेज लिया है। और अभी विंटर्स चल रहे हैं, दिसंबर है, तो मेरा हर सीज़न में ना स्किन टोन और स्किन टाइप चेंज हो जाता है। तो अभी दिसंबर में मेरा स्किन टाइप हो जाता है कॉम्बिनेशन, तो मेरा ऑयल सिर्फ यहाँ पर आता है टी जोन एरिया में, और आप मेरा स्किन टोन भी देख सकते हो, थोड़ा सा लाइट हो जाता है अगर आप कंपेयर करें समर और मानसून से। तो मेरा स्किन टोन जैसे अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो इसलिए ये जो फाउंडेशन का शेड है ना बेज, समर और मॉनसून के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए। मैंने इसे मेरे ख्याल से सितंबर में भी यूज़ करा था, दुर्गा पूजा के टाइम पर यूज़ करा था, अक्टूबर में भी यूज़ करा था, तो काफ़ी अच्छा क्लोज मैच था। पर अभी ये थोड़ा सा डार्क लग रहा है, तो इसमें ना मुझे कोई न्यूट्रल शेड मिक्स करना पड़ता है, पर फिर भी मैं आपको एज इट इज़ दिखा दूंगी कि ये मेरे फेस पर कैसा लग रहा है ये शेड बेज। और बाकी अगर आपका जैसे मेरे जैसा जो अभी दिख रहा है आपको स्किन टोन, तो इससे थोड़ा सा आप लाइट शेड लेना अगर आपका ऐसा स्किन टोन है। बाकी अगर इससे थोड़ा सा डार्क है, वार्म में है, तो बेज बहुत ही सुंदर लगता है फेस पर। अगर आप इसको ऐसे भी लगाओगे ना, एज इट इज़ इसको भी लगाओगे, तब भी ये जो फाउंडेशन है ना, जो वार्म टोन वाले फाउंडेशन होते हैं, अगर आपका स्किन टोन लाइट भी हो ना, तब भी बहुत सुंदर लगता है। मैं इसे ऐसे भी लगा लेती हूँ ना, थोड़ा सा लाइट कंसीलर यहाँ पर लगा लूँ, तब भी अच्छा लगता है। पर थोड़ा मैं आपको ये लगा कर दिखा देती हूँ। देखो, आप अगर ऐसे बॉटल में भी देखो ना, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा वार्म लगेगा मेरे स्किन टोन पर। तो इसको पहले मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, बाकी इसकी जो भी क्वालिटीज़ है, इसकी क्या खासियत है, प्राइस, बॉटल, सारा अलाना फलाना सब कुछ वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले आप शेड देख लीजिए। मैंने ऑलरेडी फेस पर मॉइस्चराइज़र और प्राइमर अप्लाई किया है, और ये फाउंडेशन यहाँ मैंने लिया, आप देखो, दिख रहा है आपको, ये वॉर्म लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा। अगर आपके येलो अंडरटोन्स है ना, तो बहुत सुंदर शेड है, और वॉर्म के हिसाब से भी अगर आपको इससे थोड़ा सा लाइट लेना होगा ना, तो आप चेक कर लेना ज़रूर। इसको मैं फेस पर आपको लगा के दिखाती हूँ, यहाँ पे ये देखो, अभी तो ठीक लग रहा है, पर ब्लेंड करने के बाद ना, आप देखना, ब्लेंड करने के बाद और कुछ घंटों के बाद ये डार्क लगने लगता है, और जैसे ये डार्क सर्कल्स वगैरह ना, वो तो मेरे बहुत अच्छे से छुप जाते हैं, तो इसलिए मुझे कोई करेक्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे पिगमेंटेशन है यहाँ पर, ये भी काफ़ी अच्छे से छुप जाती है, तो इसको मैं जब अपने पूरे फेस पर लगाऊंगी ना, तो आपको पता चलेगा कि ये कैसा लग रहा है। अभी आप देखो, काफ़ी सुंदर लग रहा है, ये वार्म अंडरटोन्स, येलो अंडरटोन्स है जिनके, उनके ऊपर ये शेड बहुत ही सुंदर लगेगा। थोड़ा सा मुझे ये ड्राई कर देता है, तो जैसे जो नॉर्मल स्किन के फाउंडेशन है, या तो कोई ड्यूई प्राइमर है, जैसे निक्स का आता है ड्यूई प्राइमर आता है, या मैक का प्रेप एंड प्राइम जो आता है, मुझे वो यूज़ करना पड़ता है, या इसमें कोई फाउंडेशन मुझे मिक्स करना पड़ता है जो नॉर्मल स्किन के लिए हो, जो ड्राई स्किन के लिए हो, तभी ये थोड़ा सा बेटर लगता है, जो लाइट भी हो। मेरे पास बॉबी ब्राउन का है मेरे पास, जो लाइट भी है और थोड़ा सा इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट भी देता है, तो उसमें अगर मैं मिक्स करके लगाऊं तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है फाउंडेशन। तो शेड ये आपने देख लिया, थोड़ा सा मैं इसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ आपको। कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी, बहुत बहुत अच्छी कवरेज है, कोई आपको कंसीलर, करेक्टर ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी इस शेड के साथ, क्योंकि करेक्टर का काम भी आपका कर देता है। देखो, मेरे डार्क सर्कल्स भी कितने आसानी से छुप जाते हैं इससे। कवरेज देखो, मैंने कितना कम फाउंडेशन यहाँ पर लगाया था, पर आप ये देख रहे हो ना, फेस और नेक फिर अलग लगने लगती है, क्योंकि काफ़ी येलो लग रहा है मेरे फेस पर, आप ये देखो। ये बस एक दिक्कत आ जाती है इस सीज़न में, बाकी समर्स के लिए बहुत अच्छा है।
बिल्कुल रेकमेंड करती हूँ। अगर आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, येलो अंडरटोन्स है आपके, या कूल भी है, न्यूट्रल भी है, आपको डिफरेंट शेड्स मिल जाएंगे, बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है इस रेंज के ना। तो जिनकी ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, उनको तो मतलब खरीद लो ये फाउंडेशन। शेड अपना चेक कर लेना, पर अगर जो आपकी स्किन टाइप मैं ये बता रही हूँ ना, ये पर्टिकुलर स्किन टाइप ऑयली कॉम्बिनेशन, ड्राई स्किन को देखो यार, ड्राई कर सकता है, कुछ फ़ायदा नहीं है, झूठ मैं क्यों बोलूँ, ड्राई स्किन के लिए इतना ठीक नहीं है। और अभी ये फाउंडेशन लगाने के बाद होगा क्या ना कि मेरा मेकअप थोड़ा सा ना क्रीज होने लगेगा, स्पेशली ये जो अंडर आई एरिया है। मैं भी ऐसे ही लगा रही हूँ, वैसे तो मैं ऐसे यूज़ नहीं करती हूँ इस सीज़न में, बस आपको दिखाने के लिए कि ये शेड कैसा लग रहा है। इसके बाद में इसके ऊपर कंसीलर वगैरह एक साइड लगा कर आपको दिखाऊंगी। पर बेटर यही होता है अगर आप जैसे विंटर्स में भी लगा रहे हो, आपने ख़रीद लिया है, या तो ये अगर आपकी ड्राई स्किन है या कॉम्बिनेशन हो जाती है, मेरी जैसा स्किन टाइप हो जाता है आपका विंटर्स में, तो आप इसमें मिक्स करो ना, ड्राई स्किन वाला फाउंडेशन मिक्स करो या इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन मिक्स करो। कुकर की सीटी बज गई है, चावल बन रहे हैं, हाँ, तो वो सब आप मिक्स कर सकते हो, या फिर बहुत सारा मॉइस्चराइज़र लगा लो, या तो कोई जो एसेंशियल ऑयल आते हैं वो इस फाउंडेशन में मिक्स करके लगाओ तो बेटर लगेगा। पर मुझे सबसे बेटर यही लगता है क्योंकि ये येलो भी है ना, तो मेरे पास बॉबी ब्राउन का जो फाउंडेशन है वो थोड़ा सा इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट भी देता है और ड्राई स्किन के लिए ज़्यादा बेटर मुझे लगा। तो वो मैं जब इसमें मिक्स करती हूँ ना, तो बहुत ही सुंदर शेड बन जाता है। इसके ऊपर ही मैं थोड़ा सा लगा लूँगी क्योंकि उसकी इतनी कवरेज भी नहीं है, इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा है ना, और उसकी काफ़ी ज़्यादा लाइट कवरेज है, काफ़ी नेचुरल लगता है। उस फाउंडेशन का भी मैंने रिव्यू करा है, तो वो अगर आपको देखना होगा तो देख लेना, होगा मेरे चैनल पर। तो उसकी कवरेज इतनी लाइट नहीं, अगर इसमें आप फाउंडेशन मिक्स कर रहे हो ना, तो ऐसा ही मिक्स करना है जिसकी कवरेज इतनी ना हो, जो फाउंडेशन ना थोड़ा नेचुरल लगे आपके स्किन पे। देखो अगर आप ऐसे ही देखो ना, मतलब मेरी नेक नहीं देखोगे तो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पर फिर यहाँ पे मेरा फेस अलग लगेगा, हाथ अलग लगेंगे और नेक अलग लगेगी। आप देखो थोड़ा सा मेरा न्यूट्रल साइड पे हो जाता है विंटर्स में ना, पूरा कूल तो मैं नहीं बोलूँगी, पर हाँ ये देखो आप, क्योंकि फेस अलग लग रहा है, अच्छा तो बहुत लग रहा है। आप देखो जैसे नेक मत देखो, मैं इतना आपको दिखाती हूँ, ठीक है, आप देखो सिर्फ इतना देखोगे तो अच्छा लग रहा है। सारे डार्क स्पॉट्स है, रेड स्पॉट्स है, डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन सब छुप गई है इससे, पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगने लगता है, इवन पिक्चर्स में भी बहुत अलग लगने लगता है। और देखो ऐसे मेरा नेक और मेरा मुंह, देख रहा है आपको डिफरेंस कितना ज़्यादा है। तो फाउंडेशन मैंने पूरा ब्लेंड कर लिया है और ब्रश की हेल्प से भी काफ़ी अच्छे से ये ब्लेंड हो गया। मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप दिखा देती हूँ, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है फेस पे, कोई ड्राइनेस नहीं है, केकी नहीं लग रहा है, कोई लाइंस नहीं है, जितने भी स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, कहीं पे भी डिस्कलरेशन थी, सब कुछ बहुत अच्छे से छुप गया है। तो कवरेज आप देखो, सुपर कवरेज है, बहुत अच्छी कवरेज है। पर अभी स्किन कॉम्बिनेशन हो रही है तो कुछ घंटों के बाद ड्राइनेस आएगी, इसलिए मुझे ड्यूई सेटिंग स्प्रे इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो बहुत ज़्यादा येलो लग रहा है, वार्म लग रहा है, इसके लिए भी थोड़ा सा मुझे लाइट फाउंडेशन लगाना होगा, जो ड्राई स्किन या तो नॉर्मल स्किन के लिए ज़्यादा बेटर है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ये बॉबी ब्राउन का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, ये शेड है नेचुरल नंबर 4, और ये मेरे स्किन टोन के लिए लाइट है और बहुत ही नेचुरल कवरेज है इसकी। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर लूँगी यहाँ पर, ताकि मेरा फेस इतना वार्म नहीं लगे। मुझे ना नेक पे फाउंडेशन लगाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा फाउंडेशन और यूज़ कर रही हूँ, ताकि मेरी नेक से मैच कर जाए, नहीं तो फिर ना नेक पे भी फाउंडेशन लगाना पड़ता है, उससे ना कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो मैं फेस के लिए ऐसे मिक्स करती हूँ फाउंडेशन को कि शेड मैच कर जाए, जो मेरे नेक से भी काफ़ी अच्छा मैच हो। इतना क्लोज तो नहीं हो पाता, मतलब पूरा सेम तो नहीं हो पाएगा, पर क्लोज मैच होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा बेटर लग रहा है पहले से, इतना तो चलता है, पर नेक पे नहीं लगा सकती मैं फाउंडेशन, उससे ना आपका मेकअप भी वेस्ट होता है और कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो मैंने दूसरा फाउंडेशन भी मिक्स करके ब्लेंड कर लिया है अपने फेस पर, और मुझे लग रहा है कि अब ये थोड़ा सा बेटर मैच है पहले से, क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा वार्म लग रहा था,
अब इतना वार्म नहीं लग रहा है, इतना तो चलता है। मैं पूरा मेकअप अब करके आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि फेस कैसा लग रहा है। सो आई एम डन विद माई मेकअप और मेरे फेस पे कोई लाइन्स ना आए, ड्राइनेस नहीं रहे और फेस केक ही नहीं लगे, इसके लिए मैं ये सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, मैक का प्रेप एंड प्राइम। अगर आपको कुछ सस्ते में लेना है तो निक्स का सेटिंग स्प्रे आप ले सकते हो, ड्यूई वाला, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसको मैं यूज़ करूँगी ताकि मेरे फेस पर ना वो ड्राइनेस ना आए, बिकॉज दिस फाउंडेशन इज़ फॉर ऑयली स्किन और आपको काफ़ी ज़्यादा मैटिफाइंग लुक देता है और फेस ना मेरा भी थोड़ा ड्राई हो जाता है यहाँ यहाँ से ना, इसके अराउंड, माउथ के अराउंड और अंडर आई एरिया में लाइन्स आने लगती है और फिर केकी होने लगता है मेकअप। तो इस वजह से थोड़ा सा ये यूज़ करूँगी मैं। और ये जो शेड मैंने मिक्स करे थे ना, मुझे काफ़ी क्लोज मैच लग रहा है मेरे नेक से, मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है, काफ़ी अच्छा मैच हुआ है। तो अगर आप भी जैसे कोई कभी गलत फाउंडेशन ले लो, ये गलत तो नहीं है पर सीजन के हिसाब से भी हमारा स्किन टोन चेंज होता रहता है, तो अगर आपका भी ऐसे स्किन टोन चेंज होता है तो मैं तो हमेशा अपने पास ऐसे फाउंडेशन रखती हूँ जिसके थोड़े से कूल अंडर टोन्स भी हो। कूल वैसे मुझे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है पर एक दो है मेरे पास ऐसे, थोड़े डार्क में भी है, कुछ लाइट में भी है, ज़्यादातर तो मेरे पास वार्म ही है। तो वार्म में भी कोई लाइट है मेरे पास, कोई डार्क है मेरे पास, क्योंकि स्किन टोन चेंज होता रहता है, हर सीज़न में चेंज होता है। तो विंटर्स में जैसे अभी लाइट हो गया है तो इसी वार्म फाउंडेशन में मैंने थोड़ा सा लाइट फाउंडेशन मिक्स करा है जो कि ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन के लिए अच्छा है, क्योंकि स्किन टाइप भी चेंज हो जाता है। तो उस हिसाब से ही आप फाउंडेशन यूज़ करिए, मिक्स एंड मैच करके ही आपका कोई एग्जैक्ट शेड निकलेगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसा फाउंडेशन आया है जो एग्जैक्ट आपके स्किन टोन से मैच करे। पर कभी कभी जल्दबाजी में मैं लगा लेती हूँ कोई भी फाउंडेशन, चाहे डार्क लगे चाहे लाइट लगे, पर ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं मिक्स करके ही लगाऊँ अगर कहीं पर जाना है, ताकि वो अच्छा लगे, मतलब फ्लॉलेस लगे, नेक हमारा जो फेस है वो मैच करे और फेस पे कोई ऐसी ग्रेनेस ना आए, ज़्यादा लाइट भी ना लगे, ज़्यादा फिर वार्म भी ना लगे, तो मुझे लगता है ये परफेक्ट है। तो चलिए अब मैं आपको फाउंडेशन के बारे में बता देती हूँ। तो अब इस फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये फाउंडेशन ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ऑयली स्किन के लिए तो ये ज़बरदस्त है, आप आँख बंद करके इसको खरीद सकते हैं। प्राइस है इसका 1300 रुपये, तो बिल्कुल वर्थ करता है। थोड़ा सा आपको ये इतना अफोर्डेबल कैटेगरी का नहीं लगेगा पर बिल्कुल ये वर्थ करता है। तीसरी चीज़ इस पे लिखा है कि ये 24 आवर्स मैट फिनिश देता है आपको, तो काफ़ी ज़्यादा इसकी मैट फिनिश है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। 24 घंटे तो खैर मैंने इसे लगाकर नहीं रखा था, पर अभी मेरी फ्रेंड की वेडिंग थी, काफ़ी सारे फंक्शन थे, तो वहाँ पर मैंने इसी फाउंडेशन को हर फंक्शन में अप्लाई करा था, तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग था। थोड़ा सा मुझे लगा था कि रात होते होते यहाँ पर क्रीज होने लगा था, पर मैंने फेस को इतने अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं करा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि स्किन मेरी ऑयली रहेगी तो ऐसे कोई लाइन्स नहीं आएगी। तो हाँ, तो ये हो सकता है, पर बाकी ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, मैट इफेक्ट देता है, कवरेज ज़बरदस्त है इसकी, ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। शेड्स आपको बहुत सारे इसमें मिल जाएंगे। फिर लास्ट में एक चीज़ ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसे नायका से मत खरीदना। अगर आपको लगता है कि आप फाउंडेशन को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे एक साल के अंदर अंदर, तो इसे आप नायका से मत खरीदो, स्टोर से जाकर खरीदो। और बाकी कोई भी अगर आप महंगा प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप ऑनलाइन मत ही खरीदो। ये मैंने नायका से लिया था, डिस्काउंट भी नहीं था इस पर, पूरा जो इसका एग्जैक्ट प्राइस है MRP 1300 रुपीज़, तो मैंने 1300 का ही लिया था। तो इस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है अक्टूबर 2018 की, पता नहीं नायका का कोई ये देख रहा है, अगर कोई देख ले गलती से, या कोई अगर नायका तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता है तो ये बहुत ही गलत काम है नायका, ऐसा काम नहीं करना चाहिए आपको। 2018 की ये मैन्युफैक्चरिंग है और ये एक्सपायर हो रहा है 2021 में, और मैंने इसे 2020 में ख़रीदा है सितंबर या अक्टूबर में, तो मतलब अब मैं इसे एक साल ही यूज़ कर सकती हूँ, एक साल भी नहीं, अब तो दिसंबर भी निकल गया, मतलब 9 महीने मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, 9 या 10 महीने, 9 महीने ही लगा लो, 10 में तो ये अक्टूबर में तो ये एक्सपायर हो जाएगा, तो बहुत ही गलत बात है यार। और आपको देखो, जैसे तेल, शैम्पू, साबुन, क्रीम, मॉइस्चराइज़र, ये सब लेना है, ये तो आप ख़त्म कर लेते हो कुछ महीने में, अगर इसकी एक्सपायरी का इन्होंने काफ़ी लेट पिछली पुरानी मैन्युफैक्चरिंग का भेजा है, तब तो आप इस ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ कर भी लेते हो। पर जैसे मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप इतनी जल्दी नहीं ख़त्म कर पाते हो, आई शेडो हो गए, फाउंडेशन हो गए, कॉम्पैक्ट हो गए, कॉम्पैक्ट भी फिर भी यूज़ हो जाता है, पर कुछ ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो इतना इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं लोग, तो वो एक साल में नहीं होता है ख़त्म। तो नायका, इतनी पुरानी मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रोडक्ट्स मत भेजा करो, उसको आप फेंको, अपना अपने अपने आप स्टाफ को दे दो, पर ऐसे कस्टमर को मत भेजा करो यार। अब मैं इसे बहुत कम टाइम के लिए यूज़ कर सकती हूँ, खैर कोई बात नहीं, पर फाउंडेशन बहुत अच्छा है। अल्टा ब्यूटी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, 30 ml आपको प्रोडक्ट मिलता है। पैकेजिंग इसकी इतनी ठीक नहीं है, ये ग्लास बॉटल में है, ये सब तो देखो ठीक है, पर इसका ये जो ढक्कन है ना, ये इतना
ठीक नहीं है, क्योंकि जब मैं अभी कहीं बाहर गई थी तो मैं इस फाउंडेशन को लेके गई थी, तो ये फाउंडेशन निकल गया था, तो ढक्कन वगैरह पे थोड़ा थोड़ा लग गया था, तो इतना ज़्यादा इसका जो ये ढक्कन है ना, ये ऊपर का कैप है, ये थोड़ा सा लूज है, तो इस वजह से इतना ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है। या तो इस पर आप टेप लगा दो, अगर आप जा रहे हो आपको फाउंडेशन इतना ज़्यादा पसंद है तो इस पर आपको टेप लगानी पड़ेगी, तभी आप इसको ले जा सकते हो, वरना गिरने के थोड़े से चांसेस है। पंप ऊपर लगा हुआ है तो हाइजीनिक है ये फाउंडेशन, आप यहाँ से अपना फाउंडेशन निकाल सकते हो, और थोड़ा सा कंट्रोल भी रहता है, क्योंकि जैसे एस्टी लॉडर का फाउंडेशन आता है सीधा आपको बॉटल में से निकालना पड़ता है, पर जैसे पंप लगा रहता है तो फाउंडेशन पे आपका कंट्रोल रहता है, आप थोड़ा कम कम करके लगाओ ताकि ज़्यादा फाउंडेशन ना निकल जाए। तो ओवरऑल ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है ऑयली स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। आपको ये खरीदना होगा तो आप खरीद सकते हैं, और देख लेना बाकी आपको जहाँ से भी खरीदना है, डेट ज़रूर चेक कर लेना, मैनुफैक्चरिंग एक्सपायरी वगैरह ये सब देख कर ही लेना। तो बस इतना ही था इस रिव्यू के लिए, आपको ये पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना, और अगर आपके कोई भी सुझाव सजेशन होंगे तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, उन सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। ठीक है, चलिए अब मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिए, बाय।